यहाँ पे कुछ तो है जो ये लोग खा रहे हैं। ये कोई चीज कॉमन है, इतनी बदबू है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आज की वीडियो में। आर्यन से हेलो। हेलो। तो आज है हमारी ट्रिप का फिफ्थ डे और जो कि लास्ट डे भी है। आज हम लोग जा रहे हैं बैक टू इंडिया। तो अभी प्लान यही है कि आज हम खुद, जब तक हमारा फ्लाइट का टाइमिंग नहीं होती और पिकअप नहीं होता जो कि रात को 9 बजे होगा, तब तक हम खुद थोड़ा सिंगापुर एक्सप्लोर करेंगे। और अभी देखते हैं कि आज हम क्या क्या करते हैं। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको जो मैंने अभी तक किसी भी होटल में नहीं देखी। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस मशीन का नाम है आइस डिस्पेंसर। ये मैंने पहली बार देखा है, जितना ही मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, कि किसी भी होटल में आइस डिस्पेंसर बाहर ऐसा नहीं होता, हमेशा आपको मांगनी पड़ती है। बट अगर हम यहाँ पर अगर पुश करेंगे, आने का करो तो बस ये देखो, ये फ्रेश आइस क्यूब्स आपको देते हैं। तो ये जो लोग पीते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है। आयरन भी तब से यहीं पे लगा हुआ है ये आइसक्रीम प्रेस करके निकालने में और पीने में। आ जा। ये है मम्मी पापा का रूम और अब यहाँ बैठेंगे हम, थोड़ी देर चाय पियेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो मैंने पहली बार देखी है कि एक तो इन्होंने बाथरूम में हमें टैप दी है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इंडिया से बाहर हिंदी में लिखा हुआ है, फिल्टर किया हुआ पेयजल। और हम अपने हैं सिंगापुर मिशन के लिए और हमने पूरा मिशन कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमने चेकआउट किया और हम चल दिए देखने बुगीज स्ट्रीट। हम अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में हैं और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे जो मेनली लोग हैं वो है, जो मेन रेसेस हैं यहाँ पर वो है चाइनीज़, मलय जो मलेशिया से होते हैं, एंड देन इंडियंस। और इंडिया के अंदर भी मेनली लोग हैं तमिलनाडु साइड के, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से मुझे कम लोग दिखे हैं, जितने भी दिखे हैं मेनली साउथ इंडिया से ही दिख रहे हैं। तो अभी बस जा रहे हैं बुगी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ तो है जो ये लोग खा रहे हैं। एक कोई चीज़ कॉमन है, इतनी बदबू है बहुत ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले हम अपने होटल के सामने वाले मॉल में गए थे, वहाँ पे भी फूड कोर्ट था और सेम स्मेल थी। कोई तो कॉमन चीज़ है इनकी जो खा रहे हैं, और बहुत ही बदबूदार है। बदबूदार है, मज़ा नहीं खाने का। मतलब आम लोग को तो खाना छोड़ो, सूखने से भी गंदा रही है, बहुत गंदी है। इनके लिए हैवी चीज़ है, इनको बढ़िया लगता है। तो मेट्रो स्टेशन से निकलते हुए बहुत ही बदबू थी, बट उसके बाद हम फाइनली पहुँचे बुगी स्ट्रीट। ये बुगी स्ट्रीट जो है इनकी, ये दिल्ली के पालिका बाजार जैसी है, कुछ खास मार्केट नहीं है, वैसा ही है जैसे पालिका है, जनपद है या सरोजनी नगर है, ऐसे मार्केट है। तो बुगी स्ट्रीट देखने के बाद हमें भूख भी लगी थी, तो हम पहुंचे लिटिल इंडिया। बाहर आके पता चलता है कि वेज खाना कितना मुश्किल है, अगर आपको एक्चुअल में पता नहीं हो पहले से। तो अभी हमें घूमते हुए कम से कम 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और हम एक वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, लिटिल इंडिया के अंदर है ऑलरेडी, उसके बाद भी मिल नहीं रहे। पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ हमें घुमा रहे हैं। अभी देखते हैं, एक बंदे ने बताया है कि आगे से राइट है, देखते हैं कि वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता। तो खाने के बाद हमने अपना लगेज पिक किया होटल से और हम निकले एयरपोर्ट के लिए।
हमारी फ्लाइट को है 4 घंटे और हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट टाइम से पहले। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा टाइम पास किया जाए, और क्योंकि यहाँ पर एक बहुत फेमस अट्रैक्शन है जो कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर एक वाटरफॉल है, आई थिंक इसी एयरपोर्ट में है ऐसे इन द होल वर्ल्ड। सो हमने सोचा कि चलो ज्वेल देखते हैं। तो चंगी एयरपोर्ट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लाइट इन्फॉर्मेशन बोर्ड देखा हमने, और इस पर आप जो भी इमेज सेलेक्ट करेंगे ये वही प्रिंट कर देता है। तो हम विंग सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट। हाँ, अब देखो आर्यन, अब बनेगा विंग्स। तो हमने सेलेक्ट किया है विंग्स ऑप्शन, अब ये यहाँ पर बनाएंगे विंग्स। और ये बन गए हैं विंग्स। सो एयरपोर्ट से एक ब्रिज जाता है जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो इस ब्रिज के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं ज्वेल पे, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो वाटरफॉल एक्चुअली में कैसा है। तो अभी हम जा ही रहे थे किड्स जंपिंग ट्रैक पे, बट हमें तभी पता चला कि यहाँ पर एक लाइट एंड वाटर शो भी होता है उसी सेम चंगी वाटरफॉल के अंदर। अब आप देखिए उसको और एंजॉय कीजिए। मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करना ना भूलें।